नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेष राशि वालों। दोस्तों, कोई कितना भी जिद करे मगर महाशिवरात्रि की रात यह एक चीज किसी को भी ना दे। ये दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि दोस्तों अगर आप इस चीज का किसी को दान कर देते हैं या फिर किसी को जाने अनजाने में दे देते हैं तो दोस्तों आज सभी के जीवन काल में इनसे कई प्रकार के नुकसानदायक क्रियात्मक चालू हो जाते हैं। ये दोस्तों अगर आप अपने जीवन काल में सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, सभी प्रकार के कष्टों को आप पीछे ही छोड़ देना चाहते हैं, दोस्तों आज के इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें कि दोस्तों महाशिवरात्रि के पावन पर्व में आपकी एक सावधानी आपका पूरा जीवन संवार सकती है, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो का निर्माण ग्रहों का पूर्ण विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद विशेष तौर पर बनाया गया है कि यश में जो ग्रहों की स्थिति होगी इनके अनुसार आपको कौन से चीजों का दान यश में नहीं करना है, कौन से कार्यों को लेकर यश में आपको सावधान रहना है, घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे, आयोजन में भी कौन कौन से बड़े सुधार होने वाले हैं, इन सभी की विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आपका दायित्व होता है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जय दोस्तों, उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वीडियो को एक लाइक अभी कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव, भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी के जीवन काल पर आपको प्राप्त होगा। तो ये दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार करेगा। तो दोस्तों इस बातों को आप जरा गौर सुनिएगा कि दोस्तों ईश्वर भक्ति तब भी काम करती है जब आप सो रहे हैं या फिर आराम कर रहे हैं। ईश्वर आपकी हर स्थिति को बदलने में सक्षम है, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ चलता है। ईश्वर ही केवल आपके दुखों को सुख में बदलते हैं, अन्यथा कोई नहीं। ईश्वर का स्मरण कीजिए और दोस्तों इनसे आप सभी का जीवन बहुत ही उज्ज्वल और सुखमय जाएगा। जय दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों सके साथ बात करते हैं कि इस महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से बड़े बदलाव आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नए संपर्क यश में स्थापित होंगे जो कि भविष्य संबंधी आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। दोस्तों ये जो समय है अपने भविष्य संबंधी योजनाओं को मूर्त रूप देने का उचित समय होगा। साथ ही दोस्तों कोई शुभ कार्य भी यश में संपन्न होगा। यश में आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने का बेहतरीन मौका भी मिलेगा और दोस्तों यश में आप काफी अच्छा प्रदर्शन भी इनमें कर पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से खटास आ सकती है। यश में स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। शांति की इच्छा में किसी धार्मिक स्थल पर जाने की आपकी इच्छा रहेगी। साथ ही दोस्तों फिजूल खर्चों पर यश में आपको रोक लगाना जो है आपके लिए बहुत ही आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे दिन की शुरुआत में पार्टनर द्वारा कोई खुशखबरी मिलने की वजह से पूरा दिन आनंदमय में व्यतीत होगा। दोस्तों आपका द्वारा शुरू किए गए कार्यों को जो है परिवार की अनुमति मिलेगी और बुजुर्गों के आशीर्वाद मिलने की वजह से आपका यश में मनोबल और अधिक बढ़ेगा। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोपहर के बाद की जो परिस्थितियां होंगी दोस्तों ज्यादा अनुकूल रहेंगी। आप अपना मनचाहा मुकाम यश में हासिल करेंगे। दोस्तों परिवार तथा आर्थिक मामलों के प्रति भी आपका ध्यान रहेगा। दोस्तों दिनचर्या को सुकून भरा बनाने के लिए आप जो है कुछ कदम उठाएंगे। विशेषकर महिला वर्ग अपने घर तथा बाहर दोनों कार्यों में तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अधिक परिश्रम के साथ साथ धैर्य भी आपको रखना होगा। आर्थिक मामलों में परिवार के बजट आदि में जो है खास ध्यान रखना होगा। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से कुछ कमजोरी भी यह समय महसूस होंगी। दोस्तों यह समय अपने लक्ष्य से भी आप भटक सकते हैं तो दोस्तों इसका ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे यह समय आपके आसपास लोग होने के बावजूद भी आपको जो है अकेलापन महसूस हो सकता है। दोस्तों लोगों की भावनात्मक जरूरतों को आपके द्वारा पूरी करना आपको आनंद देता है, फिर भी दोस्तों खुद की जरूरतों को औरों द्वारा पूरा ना होते देख आपको थोड़ा सा यश में दुख भी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे यश में अपने दायित्व को बखूबी जो है निर्वाह करने में आप सक्षम रहेंगे। मानसिक शांति से पूर्ण दिन जो है व्यतीत होगा। दोस्तों आप जो है कुछ ऐसे कार्य भी करेंगे जिनसे आपकी रचनात्मक सामने आएंगी। दोस्तों यह समय घर में संतान की विवाह संबंधी तैयारियां भी जोर शोर से रहेगा। दोस्तों किसी बात को लेकर आत्मविश्वास में कमी रहेगी। यह समय अपने प्रयत्नों में बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी।
दोस्तों किसी भी प्रकार का रिस्क इसमें आप ना लें, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पिछले कुछ समय से चली आ रही शंका तनाव आदि से इसमें विराम मिलेगा। यश में धन कमाने के नए नए प्रयास भी होंगे। दोस्तों किसी भी काम की यश में अच्छी शुरुआत होगी। सार्वजनिक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति यश में सराहनीय रहेगी। परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने भी या फिर खाना खाने भी आप जा सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में ध्यान रखें कि आपका कोई नजदीकी ही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। दोस्तों वाणी व फिर क्रोध पर यश में नियंत्रण रखें। दोस्तों वय में कटौती रखें, अन्यथा धार्मिक समस्या भी आ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, किसी पर भी या फिर किसी प्रकार के वजन से आप यश में दूर ही रहें तो बेहतर होगा, तथा वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको मिल रहा आर्थिक फायदा आपको खुशियां देगा। मिल रहे पैसों का किस तरह से निवेश किया जाए, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों थोड़ी मेहनत से आपकी अपेक्षा अनुसार जीवन में बदलाव देख पाना आपके लिए संभव होगा। प्रॉपर्टी खरीदने की अगर सोच विचार कर रहे हैं तो दोस्तों इसको इस विचार को जो है वास्तविकता में लाने के लिए और वक्त भी लग सकता है। तो दोस्तों आप यश में आप जो है धैर्य से काम लें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश में कंप्यूटर मोबाइल विज्ञापन आदि से जुड़े व्यवसाय बेहतरीन मुनाफा कमाएंगे। संपर्कों का दायरा जो है बढ़ने से आपकी व्यवसायिक गतिविधियों में भी यश में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों अपने सपने तथा महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यश में कोई बेहतरीन कदम भी आप उठा सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों अपने काम संबंधित और जानकारी हासिल करने का आप प्रयत्न करें, ये आपके लिए और आपके करियर के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए कुछ योजनाएं बनेंगी। दोस्तों भागदौड़ की स्थिति भी रहेगी, परंतु प्रयासों में सफलता भी आपको प्राप्त होगा। अगर आप अपना स्टाफ या फिर नौकर बदलना चाहते हैं तो दोस्तों ये जो समय है सही समय होगा। इसके उपरांत ही दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कार्य क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा व फिर ऊर्जा द्वारा हर चुनौती को स्वीकार करेंगे, परंतु अपने लक्ष्य के प्रति बहुत अधिक एकाग्र चित होने की आपको आवश्यकता होगी। मीडिया लेखन या फिर रंगमंच आदि से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन समय होगा। दोस्तों काम की अधिकता की वजह से घर और ऑफिस में तालमेल बिठाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, पूरा ध्यान काम पर ही रहेगा। और दोस्तों यश में आपके द्वारा किए गए कार्य द्वारा बड़ा अवसर भी आपको मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों नौकरी तथा व्यवसाय में आप कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जो एकदम सही साबित होगा, लेकिन दोस्तों लोग भी आपकी कार्य क्षमता के जो है कायल हो जाएंगे। आपके पक्ष जो है मजबूत यश में रहेगा, परंतु साथ ही खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। दोस्तों सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अपनी प्लानिंग किसी से शेयर ना करें, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके दौरान दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में व्यवस्था के बावजूद परिवार के साथ समय निकालना सबको खुशी प्रदान करेगा। दोस्तों अपने परिजनों के साथ उपहारों का लेन देन आपके संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों पति पत्नी में आपसी सामंजस्य में कुछ कमी रहेगी। यश में अपने पारिवारिक दायित्व को भी निभाना आपके लिए अति आवश्यक होगा। तो दोस्तों इस पर आज के दिन आप ध्यान दें तो आपके लिए बेहतर होगा। शादी दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा तथा घर में खुशी व फिर मौज मस्ती का भी वातावरण बनेगा। दोस्तों गलत संबंधों का प्रभाव आपके घर तथा व्यवसाय पर भी पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों इनसे सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों यश में घर परिवार तथा रिश्तेदारों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से आप निभाने में भी सक्षम रहेंगे। दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में छोटी मोटी मौसमी बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यश में स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही आप ना बरतें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में जो है अपच की तकलीफ भी हो सकती है, तो दोस्तों यश में तेली खाने से आप बचें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, पिछले कुछ समय से चली आ रही जो अस्वस्थता में सुधार आएगा। और दोस्तों आपकी दिनचर्या को यश में व्यवस्थित रखना आपको शीघ्र ही ऊर्जावान तथा स्वस्थ बना देगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों काम की अधिकता की वजह से स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही हो सकती है। अपनी दिनचर्या को जो है व्यवस्थित बनाकर रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। साथ ही दोस्तों सुरक्षा संबंधी नियमों का भी आप पालन करें।